देखिए दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों का लगातार बढ़ना जारी है। राजधानी में अब रोजाना 8000 से भी ज्यादा कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं और अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो यहां 8593 नए संक्रमण के मामले आए हैं और 85 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में अभी भी 42000 से ज्यादा कोरोना एक्टिव केसेस हैं और क्योंकि त्योहार का समय है इसलिए बहुत बड़ी भीड़ यहाँ बाजारों में जुट गई है खरीदारी करने के लिए। लेकिन एक बात पर ध्यान जरूर देना होगा कि दिल्ली में लगातार बढ़ते ये कोरोना संक्रमण के मामले जरूर राज्य सरकार के लिए चिंता का बड़ा सबब बन गए हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सामना कर रही राजधानी दिल्ली को अनलॉक करने को लेकर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने 200 लोगों को सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी क्षमता से चलाने की अनुमति के पीछे के तर्क पर भी सवाल किया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वो स्टेटस रिपोर्ट दायर करके बताए कि आखिर उसने कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए किन किन कदमों को उठाया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस समय सख्त कदम उठाने की बेहद जरूरत है और 200 लोगों को सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी क्षमता के साथ अब से कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार ने चलाया है उन सबको लेकर यहां हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है और स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा है।